ये दरअसल जागरूक प्रहरी संस्था द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आने वाले बच्चे हैं ताकि इससे प्रेरित होकर के वो स्पोर्ट्स में जाएं, इस तरह के साहसिक कार्य करें, क्योंकि देखो गेम्स का क्रेज है, बच्चे गेम्स खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, मतलब अगर गेम्स खेलना है तो बच्चों को खेलते हैं, लेकिन अगर उनको उचित प्लेटफॉर्म मिले, उनको प्रोत्साहन मिले तो निश्चित रूप से ऊंचाई को छू सकते हैं, जैसा कि आज सागर कसाना ने किया है और बच्चे भी इसको देख करके और इस लक्ष्य को देख करके और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे निश्चित रूप से। सागर जी, आप गाजियाबाद से पर्वतारोही हैं, कैसे लगा आपको पर्वतारोही बनना है, मतलब कहाँ से आपको? हमेशा से स्पोर्टी रहूँ थोड़ा और इस फील्ड, थोड़ा सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, सभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, सभी हर फील्ड में है, ये थोड़ा सा गाजियाबाद में ये देखा गया है, मैंने काफ़ी देखा भी है कि कोई इस फील्ड में की तरफ इसका किसी का रुझान नहीं है, तो मैं इसी फील्ड की तरफ थोड़ा डिस्कवरी चैनल देखता था, तो माउंटेन से और वैसे भी पापा के साथ जब भी घूमने जाता था हिल्स एरिया में, तो काफ़ी प्यार था मेरे को नेचर से, तो इसी फील्ड की ओर मैंने सोचा कि आगे बढ़ना चाहिए और इसी फील्ड में थोड़ा अपना मुकाम बनाना चाहिए कुछ। किस तरह से आपने शुरुआत की, आपका सबसे पहले क्या? हाँ, सबसे पहले मैंने बेसिक कोर्स किया है, ये मनाली से बेसिक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, मैंने वहाँ से बेसिक कोर्स किया है और एडवांस कोर्स किया है मैंने पहलगाम से कश्मीर, देन उसके बाद मैंने अपनी स्टार्ट किया है अपना एक्सपीडिशन सारे करने। सबसे पहले मैंने हिमाचल प्रदेश से 15,737 पीक क्लाइम किया, देन उसके बाद लद्दाख की सेकेंड हाईएस्ट पीक माउंट गोलब कांगरी मैंने क्लाइम की है और सक्सेसफुल सबमिट किया है, और एयरफोर्स की टीम के साथ मैंने वहाँ पे सफाई अभियान भी चलाया है। सो खुशी होती है और अपना देश का मान बढ़ाना, और उसके बाद काफ़ी एक्सपीडिशन मैंने बैक टू बैक किए हैं, जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो वो मैंने सबमिट किया है, और माउंट एल्ब्रस यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। सो मैं इस बात की बहुत खुशी है कि पहला भारतीय हूँ कि जिसने दोनों पीक सबमिट किया है, माउंट एल्ब्रस की ईस्ट और वेस्ट दोनों पीक सबमिट किया है, सो इस बात की बहुत खुशी होती है और इसी फील्ड में। अच्छा, अभी तक जैसे आपने बताया, अगर हम बात करें कि जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर आपकी अब क्या निगाह? मेरा मानना है कि एक एज अ माउंटेनर, एज अ क्लाइंबर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, आप डायरेक्ट अगर एवरेस्ट की सोच रहे हो तो सही नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे कि मैं चला अपना बेसिक कोर्स किया, देन एडवांस किया, तो मेरा मानना है कि एवरेस्ट के लिए थोड़ी एक प्री ट्रेनिंग है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में एवरेस्ट का प्लान है और उस पर हम ज़रूर मैं देश का नाम रोशन करूंगा और झंडा फहराऊंगा। आज के टाइम में जो युवा है लगातार जो है मोबाइल वगैरह में लग जाते हैं, और ऐसे में आपने एक स्पोर्टी दिखाया, तो आप उन्हें किस तरह की प्रेरणा देंगे कि वो मोबाइल से निकलें और आगे? देखिए, ज़रूरी है कि अपना लक्ष्य बनाएं, सबसे ज़रूरी है कि अपना लक्ष्य बनाएं, अपना लक्ष्य पे आगे चलें, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे युवा ना इसी चीज़ में ज़्यादा भटक जाते हैं कि उनको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, कोई ऐसा सुटेबल ऐसा उनको लगता नहीं है कि इस फील्ड की तरफ मैं जा रहा हूँ, भटके रहते हैं, उस भटकने से अच्छा है कि थोड़ा सा अपने आपको समय दें और अपना एक लक्ष्य बनाएं जिसमें जिसकी प्राप्ति करें वो जल्द से जल्द, तो यही है मेरा ख्याल सबसे सही रहेगा। सागर जी, कुछ और भी लोग हैं जो पर्वतारोही बनना चाहते हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है किसी चीज़ का, कभी कुछ होना चाहिए, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एज अ माउंटेनर, एज अ क्लाइंबर सबसे ज़रूरी है कि देखे रिस्की है तो है सबसे ज़रूरी, क्योंकि मैं खुद जब स्टार्टिंग किया था मैंने, मुझे भी ऐसी ऐसी कुछ जब यूरोप, अभी मैं आप हाल ही का बताता हूँ कि जब यूरोप में था मैं, तो जब क्लाइम कर रहा था तो एक बराबर में हमारे लाश दिखी मेरे को चलते हुए, जब समिट कैंप के लिए जा रहे थे हम, बराबर में लाश बैठी हुई थी ऐसे, तो ये चीज़ें देख के काफ़ी मन डिमोलराइज होता है, तो काफ़ी चीज़ें डर भी लगता है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, और मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस फील्ड की ओर जा रहे हैं तो अपने आप को पक्का कर लें, और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते रहेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। देखने को मिली अपने इस सफर में अभी तक? हाँ,
हाल ही में सबसे पहले अभी आपने सुना होगा हिमाचल में बाढ़ का अभी ये था, हम लोग एक हफ्ते के लिए वन वीक के लिए अभी फंसे रहे हैं उसमें, मौसम वेदर इतना खराब था, ढाई से तीन फीट स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे, तो एक हफ्ते के लिए फंसे रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें फेस करने को मिलती है। और अपना 25 किलो का रैकसैक, हमारा सारा जो रैकसैक था सारा गीला हो चुका था, और अपना स्लीपिंग बैग भी गीला, तो हमने काफ़ी कुछ फेस किया। हमारे पास राशन भी सफिशेंट नहीं था, तो ये अभी बाढ़ के हालात हुए हैं, आपने देखा सुना भी होगा हिमाचल प्रदेश में, सो काफ़ी कुछ फेस करने को मिला इस बार।